नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक डे की मेरी तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज है 17th रिपब्लिक डे और आज हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आज के दिन को मनाएंगे और जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ना लगे तब भी लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज की वीडियो स्पेशल रहेगी, कुछ खास रहेगी। चलो शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950, आज के ही दिन भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना। ठीक इसके 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारतीय सैन्य बल की सलामी ली थी। पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। बता दें कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय सभा द्वारा अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया, जिसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। बता दें कि पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब बात आती है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी। साल 1929 दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई, जिसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द किया गया, इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई, इसलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें।